গুজরাটে খবর জানাবো আপনাদের। গুজরাটে গান্ধীনগরে বিধানসভা চত্বরে ঢুকে পড়ল চিতাবাঘ। গতকাল রাত 1:30 নাগাদ চিতাবাঘটি 7 নম্বর গেটে নিচ দিয়ে ঢুকে পড়ে বিধানসভা চত্বরে। সিসিটিভিতে ধরাও পড়েছে সেই ছবি, সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আজ সকাল থেকে সেই চিতাবাঘের খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করেছে বন দপ্তর এবং পুলিশের 100 জনের একটি দল। এলাকা আতঙ্কিত মানুষের ভিড়, বিধানসভার ভিতরে ঢুকতেও পারছেন না কর্মচারীরা। একদিকে বিধানসভা চত্বরে চিতাবাঘের ছবি দেখছেন, অন্যদিকে পাকড়াও করার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। বিধানসভা লাগোয়া সচিবালয়ের হালও একই রকম, যে অংশে চিতাবাঘটিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছে সেখানে বসেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। এই কারণে আতঙ্ক রয়েছে। গোটা এলাকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই এভাবে ঘটনা ঘটায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে কর্মীদের মধ্যে। সবাই অপেক্ষা করছেন মূল ফটকের বাইরে। কল্পেশ রাওয়াল কি জানিয়েছেন ঘটনাস্থল থেকে, আমাদের প্রতিনিধি তার বক্তব্য শুনবো। यहाँ किस तरह की परिस्थिति है, ये है गेट नंबर 1 जो सचिवालय विधानसभा का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। कुल 7 गेट है और यहाँ देख सकते हैं कि आप बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए हैं। उत्सुकता है, दहशत भरा माहौल है और सभी के चेहरे पर ये दिख रहा है। कुछ कर्मचारी भी अपने साथ है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आज सोमवार है, आप यहाँ पे कामकाज के लिए आए, क्या सूचना मिली है, अब तक क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? हमारा ड्यूटी का टाइम 10 से 10:30 बजे तक होता है, लेकिन ये दहशत ऐसे फैले हुई है कि दीपड़ा अंदर जो चीता घुस गया है उसके हिसाब से हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट अंदर जाने से मना कर रहे हैं। अभी क्या सोचते हैं, हम क्या करें, अभी ड्यूटी का टाइम हो गया है। कितने बजे से खड़े हैं यहाँ पे? हम 9:30 बजे से खड़े हुए सर। तो नया जिस तरह से बताया जा रहा है 100 लोगों से भी ज्यादा की टीम अभी सर्च कर रही है। करीब रात को 1:30 से 2 बजे के बीच ये तेंदुआ घुसा था। यहाँ इस जो स्थान की बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यालय है, मंत्री यहाँ पे बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं, गुजरात विधानसभा भी है और छुट्टियों के दिन में भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत चुस्त मानी जा रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी तेंदुआ जो घुसा है उसकी इंफॉर्मेशन को, इसकी माहिती को, सूचना को मद्देनजर रखते हुए यहाँ एहतियात के कदम बढ़ते जा रहे हैं। अभी किसी को भी अंदर जाने दिया नहीं जा रहा है। पुलिस की वक्तव्य सुनाबे एबार पुलिस सुपर की जानिए छन सुनन। कल रात को यहां पे एक लेपर्ड की एंट्री हुई है। वो लेपर्ड की एंट्री सीसीटीवी में जब मिली हुई है उसके बाद यहां पे फॉरेस्ट पुलिस और डिफरेंट एजेंसीज उसकी सर्च में लगी हुई है और सर्च जब तक खत्म नहीं होती है तब तक यहां पे कैंपस को थोड़ा सेफ और सिक्योर किया गया है और सर्च खत्म होने के बाद ही इस कैंपस में एंट्री दी जाएगी। प्राइमरी सुरक्षा, सभी की सुरक्षा, जो यहाँ काम कर रहे हैं हर एक कर्मचारी की सुरक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी है। सारे ऑफिसेज हैं यहाँ पे, आप जानते ही हैं किस किस कैंपसेज यहाँ पे आए हुए हैं, तो हर एक की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जब तक सेफ और सिक्योर नहीं करते हैं या जब तक कैंपस को हम लोग सेफ डिक्लेयर नहीं कर पाते तब तक हमको थोड़ा यहाँ पे ये जगह को सिक्योर करना पड़ रहा है।